Hello students, welcome to LearnIt. This is India's online learning platform and I am Sunil Kumar Verma and today I am going to teach you about the speed maths. Before directly jumping on any topic of quantitative aptitude or maths, you have to learn, first of all, you have to learn about the basic concept of speed maths, because in one day, every one day examination, whether it is CAT, it is banking, it is SSC, तो सारे एग्जाम्स में होता क्या है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो आजकल के एग्जाम में कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो नॉर्मल स्पीड अगर कोई कैलकुलेट करेगा तो नॉर्मली कैलकुलेट करेगा, बट अगर ये चैप्टर आपने सीख लिया तो मे बी योर स्पीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 10 टाइम्स ऑफ द योर यूजुअल स्पीड्स. सो आपको लर्न क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं स्पीड मैथ चैप्टर जो है स्टार्ट करूंगा और इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड मैथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करने वाले हैं कुछ बेसिक टूल्स के बारे में, जो बेसिक टूल्स आपको जो है आपकी कैलकुलेशन को फिंगर टिप्स पे करना सिखाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, लेट अस सपोज एनी नंबर, 720 इज अ नंबर. अगर कोई भी नंबर लेते हो व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर नंबर, जो कि पूरी तरह क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमेशा हमेशा ऐसा नंबर क्या होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100%. आई एम राइटिंग वन नंबर, दिस इज 720 एंड this is always going to be 100% because this is independent on any other number. कोई भी number दुनिया में, छोटे से छोटा number, बड़े से बड़ा number, कोई भी number हो वो क्या होगा, हमेशा हमेशा कैसा होगा, वो 100% होगा. अगर मैं ये basic चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मुझे तो आती है, ठीक है आती है, लेकिन थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि आप स्पीड को कैसे इंक्रीज कर पाते हो, कैसे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आप मेंटली कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे, जो कि आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैं अगेन कोई नंबर लिखता हूं, जिसे मैंने लिखा 624, अगर मैं ये नंबर लिखता हूं तो आप ये 624 एक मैंने नंबर लिखा यहां पे, तो ये कैसा नंबर होगा, ये भी कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कैसा होगा, ये भी अपने आप में कैसा होगा, 100% होगा. अब मैं कुछ बेसिक टूल्स, आई एम गोइंग टू टीच यू सम बेसिक टूल्स ऑफ द परसेंटेज. सो बेसिक टूल्स क्या है, बेसिक टूल्स ऑफ द कैलकुलेशन भी कह सकते हो उनको. तो फर्स्ट क्या है, अगर हम देखें कोई भी नंबर देखें तो कैसा है, 100% है. अगर मैं इसके 10% की बात करता हूँ, लेट अस सपोज आई विल आस्क वन क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज 10% ऑफ 720, तो आप क्या बोलोगे, सर 10 से डिवाइड कर दो 100 में, और 720 में भी 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो. तो हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या, 10% आपके पास क्या आया यहाँ पे, 10% की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई यहाँ पे, आपने 10 से डिवाइड किया बहुत से, तो आपको मिल गया यहाँ पे कितना, देखा जाए 72. अगेन इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज 1% ऑफ दिस 720, तो आप बोलोगे सर आप 100 से बहुत से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से इधर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1% ही बचेगा, दैट इज 1%, सॉरी तीन बेसिक टूल्स बेसिकली आपको याद रखने हैं क्या, जैसे 100% कोई नंबर का, किसी नंबर का 100%, किसी नंबर का 10% और किसी नंबर का 1%. अब देखो कैसे कैसे वन बाय वन हम सीखते जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ से. जैसे अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 624. अब बार बार आपको डिवाइड करके नहीं चेक करना, आप मन मेंटली सोचोगे, मैं पूछू इसका व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर, सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर विल बी लाइक दिस, सर पुट डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही आपका 10% हो जाएगा, तो दिस बिकम 10%, राइट. अगेन इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज 1% ऑफ 624 इज ऑलवेज 100% होगा, ये तो आपको पता ही, अभी डिस्कस किया, कोई भी नंबर होगा तो कैसा होगा, 100%. इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज 1% ऑफ 624, देन योर आंसर विल बी पुट, यू विल से दैट लाइक दिस, पुट डेसिमल आफ्टर टू डिजिट्स,
दो डिजिट के बाद जो डेसिमल आप रखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, दैट इज 1%। यही आपके बेसिक टूल्स हैं, बस इनको आप कैसे सीखना है। अगेन मैं आई एम राइटिंग वन अनदर नंबर, जस्ट लाइक 724 आई एम राइटिंग वन नंबर, सो इफ आई विल आस्क व्हाट इज 10% ऑफ दिस नंबर, यू विल से दैट 72.4। हाउ? यू जस्ट पुट द डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, राइट? So this become 10%. Again, if I will ask what is 1% of this number, you will say that this is 7.24. कैसे आपने 1% निकाला? दो डेसिमल के बाद, दो डिजिट के बाद डेसिमल रख दिया तो ये 1% हो गया, ठीक है? Again, for the practice, I'm writing one number, 120. If I will ask what is the 10% of this number, so you will say that 1% of this number is 10% of this number. What is 10% of this number? You will say directly say that this is 12 is your answer. You have what you have did? What you have done? You have done that, you have for the decimal, you have to do one thing. You have to put decimal after one digit. So decimal after one digit means 120 is your number. If you put decimal after one digit, you will get 12. 12 as your 10%. Again, if I will ask what is 1% of this, so you will say that put decimal after two digit. Do digit ke baad decimal rakh dijiye, matlab this, that way, that is going to become 1.2. So this is the basic tool for your calculation. Now start learn more things, more application of these tools. कैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे? सर ये तो बोलोगे सर मुझे आ गया, बहुत आसान है, ठीक है बिल्कुल आ गया। अब थोड़ी सी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आपके पास, आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपको करना क्या है, आप कैसे कैलकुलेशन को आपको बढ़ाना, अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करोगे, ठीक है? Just think that I'm considering one number. I'm writing one number as 124. If I will ask what is the 21% of this number, you have to find 21% of this number. So directly, without jumping on any topic directly, first we have to learn this topic. This is very very important. Chapter, whether it is I'm talking about going to talk about the CAT examination, for the CAT examination it is also very important, for the SSC examination it is also very important, for the banking examination it is going to be play a very vital role, and not only for all these three examination, for every one day examination it is going to play a very very important role for you. So if I will ask 21% of 124, how you will find without using pen and paper? Without using pen and paper, how you will find the answer of this question? So 21%, just you imagine what I have teach you, what I have taught you, that's 10%, 1% and 1%, you know the basic tools. So 124 is the 100%, you know that this number is independent of any other number, so 124 is always going to be 100%. Right, 124 is going to be always be 100%. If I will ask 1% of this this number, 10% of this number, you will directly say put decimal after one digit, then it will become 12.4. Again, if I will ask to you 1% of this number, then you will say that put decimal after two digit means 1.24. So these are the basic tools. I'm going to use all the basic tools of this basic tools, and I will find the answer without using pen and paper. You know the 10% of this number, 10% is 12.4. Again, 10% is 12.4. So 20%, 10 plus 10, that is 20%, and 12.4 become 24.8. So 20% directly you will get, 20% is equal to 24.8. This is your mental calculation. Again, if I will ask 1% of this number, you will say that 1.24. So you have to add 1.24. You don't know how to add 24.8 and 1.24. How is going to be how much it will become? It will become 25.04, right? Just learn also. I'm going to teach you how you will multiply in this topic, how you will improve your calculation speed. Calculation means you are going to I will give you a big number and how you will multiply those big numbers in very short time. Or I will teach you a lot of concept in this chapter.
So by learning all these tools and concept, your speed is going to be ultra fast. Maybe your speed is going to be 10 times than the usual speed. So again, I'm going to ask one question to you. If I will ask 31% of any number, I'm going to take one number as 120, right? So many people, so many students will say that, yeah, I know how to solve this question. They will say, they will try to solve like this: 31 multiplied by 120 and divide by 100. वो क्या कहेंगे कि मैं इसको 31 और 120 को multiply करके 100 से divide कर दूंगा, answer मिल जाएगा मुझे. So मैं 12 फिर इसके एक zero से zero cancel कर दूंगा और इसको multiply करके answer निकाल दूंगा. But don't do like this. You are not a kid, okay? You are a grown. आप बड़े हो चुके हो और आप कंपटीशन के तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप कैसे करोगे? मैंने जो बेसिक टूल बताया उनका यूज करो. 10% ऑफ 120 दैट इज 12, दैट इज दिस बिकम 10%. अगेन यू थिंक यू हैव टू फाइंड 30% ऑफ दिस. 30% मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3. तो 30% अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. हियर ऑल्सो यू विल गेट 36. सो 30% इज नथिंग बट दैट इज 36. बट यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग्स इन योर माइंड ओनली. So 10% is 12, so 30% is 36, right? So this is why maybe 1 to 2 seconds to calculate 30%. Again, you have to find 1% of this number. 1% of this number, what is the 1% of this number? It will be 1.2, right? 1.2. So 1% of this number, 1% is 1.2. Add this, 36 and 1, 37.2. So this become 31%. So don't use pen and paper hereafter for the all this calculation. You just try to multiply in your mind, and just try to calculate all those things in your mind only. And start thinking like me. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप सोचना शुरू करो. आपकी calculation 100% 200% going, ये आपकी जो है calculation speed बढ़ जाएगी, मेरा आपसे वादा है, ठीक है? चलिए move करते हैं आगे. पहला question लेते हैं. देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास और इसका आंसर बताना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. 21% ऑफ 720. सो हु इज गोइंग टू गिव दिस आंसर इन जस्ट फॉर ऑफ 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स. विद इन 10 सेकंड और 5 सेकंड हु इज गोइंग टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन, आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? आपको पता है कि बेसिक टूल्स कैसे, ये नंबर है आपके पास, जो कैसा नंबर है, हमेशा हमेशा कितना होगा, ये हमेशा हमेशा 100% होता है, राइट? तो 100% होता है इसका 10%, हमें 21 चाहिए ना, तो 10% एंड 1% दैट्स ऑल, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम डायरेक्टली हमें क्या चाहिए, 10% चाहिए, फिर अगेन 10% चाहिए, फिर अगेन 1% चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 21% हो जाएगा, ठीक है? तो 10% हमें पता है कितना होता है इसका, 10% दैट इज 72, राइट? अगेन 10% कितना होता है, 72 होता है, फिर अगेन 1% कितना होता है, दैट इज 7.20. इज देयर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? 72 दैट इज 144 एंड 7.2, यू डोंट नो हाउ टू ऐड ऑल दिस थिंग्स, दिस बिकम 151.2. Very simple. You just try to solve by without using pen and paper. 10% of this 720 is 72. And again, 10% of this 720 is 72. So 20% will become 144. Again, 1% of this number is 7.20. Add 7 in 144, that become 151.2. Right? Your answer going to be 151.2. And you can solve this question in a fraction of seconds, means in 5 seconds or 10 seconds. That's it. 5 second time is enough for this question. I think आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए move करते हैं अगले question पे, हम move करते हैं और अगला question भी हम सीखेंगे. अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है. What is 51% of 624? I think this is the most easiest problem in front of you. अब थोड़ा दिमाग यूज करो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? 51 को आप क्या लिख सकते हो, 51 को आप लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है सोचो जरा, 50% एंड 1%. अब एक चीज बताओ मुझे, अगर किसी भी नंबर का आपको 50% निकालना होता है, 100% निकालना हो, तो इसका मतलब वही नंबर हो, राइट? किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर लिखा है इस तरह से, तो कैसा है, 100% का मतलब क्या होता है,
सेम वही नंबर होता है 100% का मतलब ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल 624 है। अब ये चीज बताओ अगर ये 100% है तो 50% उस नंबर का कितना होगा, 50% का मतलब समझ रहे हो, 50% का मतलब किसी भी नंबर का आप हाफ चाहते हो या आप आधा निकालना चाहते हो, ठीक है। यू हैव टू फाइव 50% ऑफ 624 देन इट विल बिकम हाफ ऑफ दिस नंबर, राइट। तो 50% कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस नंबर मीन्स 600 का हाफ कितना होगा, दैट विल बी 324 का हाफ कितना 12, तो दिस विल बिकम 312, राइट। अगेन इफ आई विल आस्क 1% ऑफ दिस क्वेश्चन, यू नो ऑल द टूल्स, 10% यू नो, यू ऑल्सो नो द 1% ऑफ दिस नंबर, यू ऑल्सो नो द 0.1% ऑफ द, वन मोर थिंग आई एम एडिंग हियर, दिस इज 0.1, दिस इज नॉट अ बिग डील, 624 इज 100%, इफ आई विल से 10% you will say that 62.4, put decimal after one digit. Again, if I will ask to you 1% of this number, then you will say that 6.24. Again, if I will ask 0.1%, so you have to put decimal after three digits. That's it. So these are the basic tools. So if I will ask 1% of this number, 1% is 1%, it will become 6.24, right? So you don't know how to add 12 and 6, that is 18. 318.24. This is your answer, right? So you have to solve mentally. 50%, 50% is 312, right? 1% 6.24. 312 and 6.4. 6.24. 318.24 is your answer. I think this is the most, this is the very, very easy questions for you, I think. ठीक है, अब हम चलते हैं और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वन बाय वन, कुछ इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट आएंगे। अब ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है कि ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपके, व्हाट इज 450% ऑफ 824। इसमें बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि आप कैसे 5 से मल्टीप्लाई करना सीखते हो, कैसे आप 50 से मल्टीप्लाई, जनरल वे से बिल्कुल भी नहीं, जनरल तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, बट आपकी अप्रोच कुछ और होगी, ठीक है। जब भी आप लर्नेट पे आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस चैनल पे, आपको इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे से टीचर्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं, और आपकी जो है अभी मैं अगर देखा जाए कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हर टॉपिक में मिलने वाली चीज़ों को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, कैसे हम, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट पता होता है बट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिससे क्या होता क्या है, उनकी स्पीड जो है रिड्यूस हो जाती है विद जो टाइम स्पैन होता है एग्जाम में, उससे ज़्यादा वो टाइम लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ट्राई टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन टाइम, ठीक है, कैसे आप अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट कर सकते हो, इसी सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है। तो 450% अगर की बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ज़रा सोचो ज़रा थोड़ा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको यू कैन राइट 450 एज लाइक दिस, जस्ट थिंक लाइक दिस, 450% माइनस 50% ऑफ 824। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन चुका है आपके लिए, दिस क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इजी, इट विल बिग, अगर देखा जाए इसको, अगर मेंटली सॉल्व करना चाहो तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखो 500% निकालना है, तो परसेंट और डबल जीरो जब भी देखते हैं इनको हम कैंसिल कर देते हैं, एनीवेयर यू कैन, इफ यू विल सी परसेंट एंड डबल जीरो कम्स टुगेदर, यू हैव टू कैंसिल बोथ द जीरोस विद द परसेंटेज, व्हाई व्हाई व्हाट हैपेंस विद दिस, देखो आप कैसे लिखते हो, जैसे 500 है ना, तो परसेंटेज आया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कभी भी परसेंटेज आएगा इसका मतलब अपॉन में 100 आएगा, ठीक है, साथ में 100 आएगा, तो 100 का मतलब क्या, दो जीरो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब भी कभी परसेंटेज लिखा दिखेगा आपको इस तरह से, तो परसेंटेज एंड डबल जीरो विल बी कैंसिल आउट, राइट। कभी भी आपको कुछ भी लिखा दिखे, जैसे 400% लिखा हुआ है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, डबल जीरो फोर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज 4 यू विल गेट डायरेक्टली। अगेन अगर आपको कभी लिखा हो कि जैसे कोई भी ना, अगर परसेंटेज के साथ लिखा हो, जैसे 52% लिखा है, परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन में जीरो आ जाए, अपॉन में डबल जीरो आ जाएगा, लेकिन डबल जीरो और परसेंटेज अगर साथ साथ कभी भी आता है, 1200% है, मतलब परसेंट से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि इसका मतलब परसेंट का मतलब अपॉन में 100 और ये जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंट वी कैन सी डायरेक्टली, वी कैन सी
clearly here percentage and double zero are together here. So you just cancel out, right? अब आपको करना क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना है 824 को. अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूँ मैं, तो आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे किसी भी नंबर को. 5 का मतलब होता है 10/2. 5 का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, 5 का मतलब क्या होता है, 10/2. ठीक है, तो कभी भी 5 से मल्टीप्लाई, आप कहोगे हाँ सर मुझे आता है 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है. व्हेन आई विल से दैट जस्ट मल्टीप्लाई 5 विद अ बिगर नंबर, अ बिगर नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा. लेकिन अगर यहां 5 से मल्टीप्लाई, देखो मैं सिखाता हूं कुछ आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना, जिससे आपके पास 412 लिखा है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल से दैट सर दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व बाय मल्टीप्लाइंग दिस 5 2 एंड 5 1 एंड 5 4, राइट? एवरीवन नो दिस. 405 times 400 multiplied by 5, that is 2000, and 12 multiplied by 5, that is 60, 2060 your answer. This is the very, actually I have taken only AGS example figure. But कैसे आपको करना होगा, अगर exam में सोचो थोड़ा सा बड़ा number दे दूँ, जैसे 412 है, 5 से multiply, तो कभी भी दिमाग में ये मत सोचो कि 5 से multiply करना, मत करो 5 से, किससे करो 10 से करो, 10 से करोगे एक zero पड़ जाएगा, right? 10 से करोगे, यहाँ 5 की जगह 10/2 लिखो, 0 पड़ेगा, फिर इसका आधा कर दो, 4100 का आधा कर दो डायरेक्ट, तो देखा जाए यहाँ पे, तो आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा कुछ इस तरह से. ठीक, ये आपके पास 2060 आंसर हो जाएगा. इसका आधा 4100 का, 4000 का आधा कितना होता है 2000, और 120 का हाफ कितना होता है 60. कैसे आपने किया, 412 लिखा हुआ था, आपने 5 की जगह क्या लिख दिया, 5 की जगह आपने 10/2 लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, सॉरी वन मिनट, आपने 10/2 लिख दिया, इसका मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे 4120 डिवाइडेड बाय 2, इसका आधा करो, 4000 का आधा 2000, 120 का आधा 60, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा. ऐसे आपने किया, लेकिन डायरेक्टली आपको करना है ये चीजें, आपको डायरेक्टली करनी है. ठीक है, तो कभी भी कोई नंबर को बड़ा नंबर मैं दे दूं, यहाँ पे लिख दूं 6 3 2 5 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो डेफिनेटली इट गोइंग टू बी एक्चुअली इट विल टेक टू मच, एक्चुअली इट इज गोइंग टू टेक टाइम. ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको टाइम लगेगा, तो आप कैसे करोगे इसको, अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना मत करो, आप क्या करो 10 से करो, मन में कर लो, एक जीरो बढ़ा दिया, 2 से डिवाइड करते जाओ. ठीक है, इस तरह से योर दिस इज योर आंसर, राइट? कैसे आपने किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया इसको डायरेक्ट, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, जब भी कभी ऐसा आए तो आप तो 5 की बात करते हो, तो कभी भी 5 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते. ऐसे ऐसे बेसिक टूल्स आप सीखते जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप बस बेसिक टूल्स सीखते जाओगे, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे यहाँ पे. हम यहां पे पढ़ रहे थे कितना, 500% हमने लिखा था इसको, हमने क्या लिखा था, 500% लिखा था, माइनस 50% लिखा था, और फिर 824. अब इसको सॉल्व करना था, राइट? तो यहाँ परसेंट से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था, 5 से बिल्कुल भी नहीं किया, 10 से किया, तो 8240 हो गया. उसका हाफ कितना होगा, 8 का आधा तो 4000 होता है डायरेक्ट. ठीक है, अब 24 का आधा अगर देखा जाए 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4120, राइट? ये आपके पास आ गया 50% ऑफ एनी नंबर. अभी बताया था कितना होता है, आधा होता है किसी नंबर का, हाफ करते हो तो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आधा, 800 का आधा 400, 12 24 का आधा 12, ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है, अब बताओ 4100 में से 400 नहीं निकाल सकते, 3700 हो गया डायरेक्टली, और 20 में से 12 निकालोगे तो कितना बचेगा, 8. सो दिस इज योर आंसर, राइट? तो आप समझ में आ रही चीजें, क्या करना है, 5 जहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहां पे आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होगे, किससे कर रहे होगे, 10/2 से,
जहां पे 50 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वहां पे क्या होगा, 100 बाय 2 मानोगे उसको, राइट। इसी तरह 125 लिखा होगा तो 1000 बाय 8 ऐसे ऐसे लिखोगे। 125 अगर लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, 1000 बाय 8, ठीक है। इस तरह से आप इन सब चीजों को सोचोगे और कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। चीजें और भी समझो यहां पे। अगर मैं इसी तरह बेसिक एग्जांपल देता हूं, कोई नंबर है आपके पास, लिखा है 32 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाओगे, 11 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 11 से दो बार, 11 से तीन बार और लिख देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, सबको आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बड़ा नंबर होगा वहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी। तो मैं बताता हूँ उसकी ट्रिक, जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, हाउ डू यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी 11 की बात होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 कैसे करोगे, हमने क्या कहा, राइट फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, राइट फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट इज 3 एंड लास्ट डिजिट इज 2, एंड देन when you are multiplying with 11, only this rule is applicable when you are multiplying any number with 11. So and both the digits should be added. So 3 and 2, that will become 5. So this become your answer. 3, 5, 2 will become your answer, right? Again, if I am writing a bigger number, 3, 5, three, five, two, four, multiplied by 11. Definitely it is going to take some more time. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका रूल क्या होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का, आप 3 और 4 लिख दो, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट नंबर का लिख दिया, अगेन फिर ऐड करना शुरू करो, 4 और 2 कितना होता है 6, 5 और 2 कितना होता है 7, एंड 5 और 3 कितना होता है 8. इफ देयर इज कैरी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय 11, राइट। अगेन आई एम राइटिंग अनदर नंबर, 4, 3, 2, 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 11. इफ आई विल आस्क द व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, यू विल से दैट डायरेक्टली राइट फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट इज 4, लास्ट डिजिट इज 5, right? Again you have to add 5 and 1, 6, 2 and 1, that will become 3, 3 and 2, that will become 5, and 3 and 4 become 7. So this will become your answer, right? So this is, these are the basic rules of multiplication by 11. Again I am writing on another number, 123 multiplied by 11. How will directly write answer? 3, 1, 5, 3. This is your answer. You can write like this. This is last digit, this is first digit, and you have to add 3 and 2, 5, and 2 and 1, 3. This will become 1, 3, 5, 3. This is your answer. So, आज की क्लास में बस इतना ही सीखते हैं हम लोग, ठीक है। आने वाली क्लासेस में स्पीड मैथ्स के बारे में वन बाय वन, मैं भी 10 से 12 क्लासेस में स्पीड मैथ्स की लेता हूँ, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया जाता है, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे आप अपनी स्पीड, लिखा है 45 मल्टीप्लाई बाय 72, हाउ यू विल कैलकुलेट इन योर माइंड ओनली। सो आई एम गोइंग टू टीच इन द नेक्स्ट क्लास आर कमिंग क्लासेस। तो जब भी आपको पढ़ना हो, तो ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, तो लर्नेट पे आइए, बिल्कुल आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, आप इसके प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, बहुत अच्छे टीचर्स जुड़ रहे हैं इनके साथ में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस और मैथ्स की जनरल कंपटीशन की मैथ्स की क्लासेस आपको मिलती रहेंगे इस तरीके से। और ये तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन था। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम सुनील कुमार वर्मा एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 to 8 ईयर्स इन दिस फील्ड ऑफ कैट एग्जामिनेशन, SSC एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो बहुत दिन से इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें जो है आपको सिखाना है, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाए। जब भी आपको पढ़ना हो तो लर्नेट पे आइए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, बाय बाय।